नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेमवती यादव। आज हम लोग वेरिकोज वेन के बारे में बात करने वाले हैं। वेरिकोज वेन क्या होते हैं, क्यों होते हैं और इनके क्या लक्षण होते हैं और हम इनका क्या उपचार कर सकते हैं। वेरिकोज वेन की बात करेंगे हम तो, ये अगर कोई पर्सन है उसके पैरों की नसें बहुत ज़्यादा फूल जाए, सूजी सूजी से देखने को मिले, नीली देखने को मिले या फिर हरी देखने को मिले और एकदम जाल नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिले पैर में, नसें पूरी उभरी हुई देखने को मिले और यहाँ पे वेन का डाइलटेशन हो जाता है जिसकी वजह से पैर में दर्द देखने को मिले, स्पेशली हमें रात के समय में दर्द ज़्यादा देखने को मिल रहा हो, रात में कई बार सूजन देखने को मिल रही हो, तो हम कहेंगे कि हाँ ये वेरिकोज वेन हो सकता है। तो हम इसके कारण जानते हैं कि वेरिकोज वेन क्यों होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका कारण ओबेसिटी है। ओबेसिटी मतलब जितना वजन नहीं होना चाहिए था उतना ज़्यादा वजन का होना, मोटापा जिसे हम बोल सकते हैं। इसके अलावा और क्या रीजन है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, मतलब बेड पे लोग बैठे रहते हैं, दिन भर टेबल चेयर पे बैठ के वर्क करते हैं, लेटे लेटे फ़ोन चलाना, ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपका चलना फिरना नहीं हो रहा है। तीसरा रीजन देखते हैं, प्रेगनेंसी एक मेजर कॉज है। प्रेगनेंसी की वजह से हमें वेरिकोज वेन देखने को मिल सकता है। क्या होता है कि प्रेगनेंसी में फीमेल का 11 केजी के समथिंग वजन बढ़ता है जिसकी वजह से क्या होता है, पैरों में दबाव ज़्यादा बनता है जिससे वेन्स जो है डायलेट हो जाती हैं, उसकी वजह से भी कई बार वेरिकोज वेन देखने को मिल सकता है। मीनोपॉज के समय में भी वेरिकोज वेन देखने को मिल सकता है। हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट है, इससे आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड क्या रेशो है वेरिकोज वेन का, 10-30% लोग ऐसे हैं जिनको वेरिकोज वेन देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे किन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे लोग जिनका वर्क ज़्यादा लंबे समय तक खड़े होके है, जैसे रोड में ट्रैफिक पुलिस वाले हो गए, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए और जो वुमेन्स घर में खाना बनाती हैं, हमारी माताएं हो गई, उन लोगों को वेरिकोज वेन देखने को मिल सकता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो हमारी वेन्स होती हैं उसमें क्या होता है, एक वॉल्व होता है, तो उसका काम क्या होता है कि ब्लड को लेके ऊपर की तरफ जाता है। मतलब जैसे हमारा हार्ट है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों होते हैं। तो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो हमारी आर्टरी लेके जाती है और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा वेन लेके जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेन का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर नहीं पहुँच पा रहा है, जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन से नीचे आया, फिर जब नीचे से ऊपर की तरफ जाना था तो वॉल्व में कोई दिक्कत आई तो रुकावट हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड वहीं पे जमने लगा, स्ट्रेसेस हो गया, उसकी वजह से हमारी वेन्स जो थी वो फूल गई, उसकी वजह से वेन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलने लगी, नीली पड़ने लगी या तो हरी पड़ने लगी, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वेरिकोज वेन है। इसके अलावा क्या हुआ कि ब्लड का सर्कुलेशन जो ऊपर जाना था गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे की तरफ आने लगा। क्या हुआ, जैसे मैं बैठी हूँ मेरा पैर नीचे की तरफ है तो सर्कुलेशन तो ऊपर अगर जाना भी है और अगर मुझे वेरिकोज है तो गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, अपनी तरफ चीज़ें खींचता है, तो मेरा ब्लड जो है नीचे ही रह जाएगा, ऊपर नहीं आ पा रहा, तो वो जमाव करने लगेगा, तो उसी की वजह से वेरिकोज वेन देखने को मिलेगा। डाइलटेशन देखने को मिलेंगे वेन्स में, वॉल्व में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड का जमाव होगा, उसकी वजह से सूजन जैसा देखने को मिल सकता है जिसे हम स्पाइडल वेन भी कहते हैं क्योंकि वो जाली नुमा स्ट्रक्चर बनाता है। अब हम बात करते हैं कि हम इसके उपचार के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बिना मेडिसिन के बात करें तो जैसे आप बैठे हुए वर्क है तो ये जो एड़ी होती है ऐसे रखते हैं, तो एड़ी को ऐसे करके एक्सरसाइज करना है बैठे बैठे। मान लीजिए आपका ऑफिस में ऐसा प्लेस नहीं है कि आप कहीं चल फिर सकें, तो आप बैठे बैठे ऐसे एड़ी को करना है बार बार, 5 मिनट के लिए ऐसे कर लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, जब आप घर में आते हैं तो 2 पिलो रख लिए और उसके ऊपर पैर रखना है, मतलब हमारा जो हृदय होता है उसके ऊपर हमारे पैर होना चाहिए, उससे क्या होगा सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और जो जमाव हुआ है ब्लड का वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ढंग से, अगर हम ट्रीटमेंट ना लें तो हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है,
तो बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिल सकता है, स्पेशली शाम के समय में जब पर्सन काम से लौटता है उसके बाद। उसके बाद क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं, मरोड़ आ रहे हो, बहुत ज्यादा खुजली देखने को मिल सकती है, जलन देखने को मिल सकता है, कई बार वेरिकोज अल्सर्स देखने को मिल सकते हैं, स्किन में ब्लैकिश देखने को मिल सकता है, कई बार वेरिकोज से हेमरेज देखने को मिल सकता है, मतलब ब्लीडिंग हो सकती है। तो अब हम इसके इलाज की बात कर लेते हैं कि हम कौन कौन सी दवाओं का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हेमामेलिस बहुत अच्छी दवा है। अगर कोई पर्सन है उसको वेरिकोज वेन में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिल रहा है, उसके बाद बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, वहाँ से ब्लीडिंग भी देखने को मिल रही है, तो आप हेमामेलिस के बारे में सोच सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात कर लेते हैं, पल्सेटिला। पल्सेटिला भी वेरिकोज वेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी वुमेन्स में प्रेगनेंसी के बाद वेरिकोज वेन हुआ, जैसे मैंने बताया था वजन बढ़ता है यूट्रस का, तो जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है पैरों में, तो कई बार वेन्स फूल जाती हैं और वो वेरिकोज वेन में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में आप पल्सेटिला ले सकते हैं। पल्सेटिला में जो होगा प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिलेगा। बात करते हैं कैल्केडिया काप की। तो कैल्केडिया काप वेरिकोज वेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। यहाँ पे क्या होता है कि एक तो पर्सन का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा बहुत ज्यादा मोटा होगा, और उसके बाद इसका एक स्पेसिफिक सिम्टम है कि बहुत ज्यादा ठंडापन देखने को मिलेगा उसके हाथ में और पैर में और जहां पे भी वेन्स इन्वॉल्व है वहां पे, तो हम कैल्केडिया काप के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा हमारी मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस का जो पर्सन होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ब्लैकिश देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे जहाँ पे वेरिकोज वेन का इन्वॉल्वमेंट है वहां पे क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा इचिंग होगी पर्सन में, उस कंडीशन में ग्रेफाइटिस हमारी बहुत अच्छी काम करती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।